तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार कि संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्याएं नंबर एक। तो दोस्तों प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इनको अंग्रेजी में लिखते हैं नेचुरल नंबर से, क्योंकि एन से शुरू होता है इसके मीनिंग्स, तो इसको लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े वाले अक्षर एन से। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। इन संख्याओं को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इनसे गिनती करते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। ये कहां से शुरू होते हैं दोस्तों, 1 से 2 से 3 ऐसे आगे तक अनंत तक, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, काउंटिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर आता है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं इनको हम अंग्रेजी में लिखते हैं व्होल नंबर, इसकी मीनिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होती है, तो बड़े वाले डब्ल्यू से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर डब्ल्यू से लिखते हैं इनको। तो ये पूर्ण संख्याएं दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में यदि हम, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें, जैसे प्राकृत संख्या कितनी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे तक इन्फिनिटी तक, इनमें हम क्या शामिल कर लें दोस्तों, जीरो को। तो प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो शामिल कर ली तो अब यह क्या बन गया, पूर्ण संख्या, यानी कि ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर लिया हम, जीरो को, तो वो सारी संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। तीसरा नंबर, तीसरा पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं दोस्तों इनको। इनमें क्या होता है दोस्तों पूर्णांकों में, आई से लिखते हैं दोस्तों इनको, इनमें पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया था पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहां तक, अनंत तक। इन पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक और शामिल कर लो, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक से मतलब, जैसे मान लो 1 प्लस का है तो यहां क्या कर दो, 1 माइनस का, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और कहां तक, माइनस के अनंत तक। यानी कि ये सारी माइनस की संख्याएं भी हो गई और ये प्लस की संख्या हो गई, ये क्या हो गया, जीरो। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यदि हम प्राकृत संख्याओं में, ये प्राकृत संख्याएं सारी सारी, इन प्राकृत संख्याओं में, सॉरी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक भी क्या कर लें, शामिल, तो क्या हो जाते हैं ये पूर्णांक। इनको लिखने का दूसरा तरीका और होता है दोस्तों, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक तो जीरो शामिल होती है इसमें, प्लस का 1 शामिल होता है और माइनस का भी शामिल होता है, प्लस का 1 माइनस, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 4 ऐसे अनंत तक चलता है, प्लस का और माइनस के अनंत तक ऐसे। तो यह संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं दोस्तों जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, अर्थात पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों, क्यू होता है पूर्णांक, क्यू क्या होता है दोस्तों पूर्णांक, यहां पर क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और क्यू क्या होता है एक पूर्णांक होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों देखते हैं हम परिमेय संख्याओं को, उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने बता दिया 1/2, 2/3, 3/4, 5, 6, 7 ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब आप देख रहे हो कि इसके नीचे तो कुछ हर है ही नहीं, तो इनको परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं,
तो इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या लगा सकते हैं हम, एक लगा सकते हैं, अभी भी इसका मान कितना है पांच, तो वही की नहीं परिमेय संख्या, इसके नीचे भी क्या लगा सकते हैं एक, तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ पर क्यू जो हर है वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, क्या है एक है, तो ये सारी सारी संख्या क्या होगी परिमेय संख्या है। एक उदाहरण तो हमने ये देख लिया। दूसरा उदाहरण दोस्तों, जीरो जो होती है ना दोस्तों, ये भी एक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो जीरो परिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि देखो जैसे मैंने मान लो पांच में भाग दिया, सॉरी जीरो में भाग दिया किसका, पांच का, तो दोस्तों ये तो अंश है और ये क्या है, हर है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार देखो हर जीरो नहीं है, क्यू का मान जीरो नहीं है दोस्तों, और पी बटे क्यू के रूप में लिखा है इसको, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो ये क्या है परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, जीरो बटे पांच। अब दोस्तों देखो किसी भी संख्या का यदि जीरो में भाग देंगे ना तो क्या आता है, जीरो ही आता है कि नहीं आता, तो यानी कि जीरो बटे पांच बराबर क्या है, जीरो। तो जब जीरो बटे पांच हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये कारण होता है कि जीरो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो दो उदाहरण हो गए दोस्तों। तीसरा उदाहरण देखें हम, तो कई दशमलव की संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 0.333333 ऐसे आगे तक सोन। देखो दोस्तों यहाँ पे तीन की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार ये संख्या आ रही है, तो दोस्तों ये संख्या भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद जिनकी एक ही अंक की या दो अंक है या तीन अंक है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उन्हीं की, जैसे मान लो एक संख्या ये है मान लो 0.12121212, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, 12 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आ सकता है, जैसे मान लो वर्गमूल 25, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, ये भी क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या ही है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इरेशनल नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्याओं की, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। अब p बटे क्यू के रूप में कौन सी संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता, देखो दोस्तों उदाहरण देते हैं, ऐसी संख्याओं को उदाहरण दे रहा हूं मैं जो अपरिमेय संख्या होती है। तो वो दोस्तों ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और उनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय। जैसे वर्गमूल 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, वर्गमूल 5 इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, वर्गमूल 7 इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दोस्तों ये है कि मान लो कोई ऐसी संख्या है दशमलव वाली, जैसे मान लो 0.32352147, ऐसे देखो ये बार बार संख्याएं, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और ये लगातार बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो ये संख्याएं भी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद में जो अंक आ रहे हैं ना दोस्तों उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो संख्याएं भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं। एक उदाहरण और देखो दोस्तों, ये पाई, पाई देखो आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, पाई क्या होती है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात, यानी कि कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, पाई। तो ये पाई जो होता है दोस्तों, ये संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि पाई का जो मान देखें हम, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये दोस्तों अब क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो ये याद रखना है दोस्तों विशेष रूप से कि पाई तो होती है अपरिमेय, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो कैसा होता है, परिमेय संख्या। दोस्तों एक बात और देखो, ये जो अनंत होती है ना दोस्तों इन्फिनिटी, ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब मैं तुमको बताता हूं दोस्तों कि ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है। देखो दोस्तों ये अनंत का बात है, जब किसी संख्या में जीरो का भाग दें तो अनंत आता है। जैसे मैंने मान लो एक में भाग दिया जीरो का, ठीक है दोस्तों, तो एक में मैं भाग दे रहा हूं जीरो का, तो जीरो एकम जीरो फिर एक आ गया, फिर जीरो एकम जीरो फिर एक आ गया, फिर जीरो एक जीरो एकम जीरो, मतलब ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि कितनी बार जाएगा ये, अनंत बार। तो एक बटे जीरो का मतलब क्या आ गया, अनंत, यानी एक बटे जीरो ही क्यों, दो बटे जीरो ये भी क्या है, अनंत, तीन बटे जीरो ये भी क्या है, अनंत, यानी किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे तो क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है दोस्तों। तो
ये देखो P है और ये क्या है Q, यानी कि ये तो अंश है और ये क्या है हर। तो देखो जब हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी ना दोस्तों, उसमें ये कहा था मैंने कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पे Q का मान क्या है, जीरो है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए क्योंकि इसमें हर का मान क्या है, जीरो। जबकि परिमेय संख्या में हर का मान जीरो नहीं होता, तो किसमें होता है, अपरिमेय संख्या में। दोस्तों इनको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, दो तीन तुमको मान बता देता हूं। वो मान होते हैं अनिर्धारिय रूप, अनिर्धारिय, अनिर्धारिय रूप। अनिर्धारिय क्या होता है दोस्तों, जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनिर्धारिय रूप। दो तीन रूप बता देता हूं मैं तुमको। जैसे जीरो बटे जीरो, ये क्या है, अनिर्धारिय रूप है, ठीक है दोस्तों। जीरो गुणा अनंत, ये भी क्या है, अनिर्धारिय रूप है। अनंत बटे अनंत, ये भी क्या है दोस्तों, अनिर्धारिय। इन मानों का निर्धारण हम नहीं कर सकते। यदि एग्जाम में कोई आ जाए ऐसा सवाल कि इनका मान ज्ञात करो, तो इनका जो ए बी सी डी जो चार विकल्प आते हैं दोस्तों, उनमें या तो आएगा एक ऑप्शन जरूर आएगा अनिर्धारित या अनिर्धारिय रूप, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ी अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद में दोस्तों अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही अच्छा है ये वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन में, जो सभी नंबर चल रहा है वो देख लेना दोस्तों। रियल नंबर लिखते हैं इनको, वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनती है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। पहली बात, सारी सारी परिमेय संख्या और सारी सारी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह एक साथ मिला दो इनको, तो ये जो बनने वाली संख्या है वो क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। दूसरी बात दोस्तों इन वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर इन नंबरों को क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखाएं होती क्या है मैं बता देता हूं तुमको। दो एक रेखा खींचो, इसके बीचों बीच में होता है जीरो, और जो राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में सारी की सारी होती है संख्या धनात्मक, और इधर आएंगे बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होती है, माइनस की। जैसे इधर होगा एक दो तीन चार एंड सो ऑन, कहां तक, प्लस अनंत तक, आगे तक। ऐसे इधर क्या आएगा, माइनस का एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, ऐसे कहां तक, माइनस के अनंत तक, आगे तक। तो ये दोस्तों कहलाती है संख्या रेखा। तो ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारी संख्या कहलाती हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। तीसरा खास बात होती है इनकी, ये इनका एक ठोस मान होता है, निश्चित मान होता है इन संख्याओं का, तो ये कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों एक दूसरा जो प्रकार आता है संख्याओं का, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो क्या होते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या नहीं होती। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं कौन सी नहीं होती वो देखते हैं दोस्तों। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और माइनस की हो, जैसे वर्गमूल एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं, वर्गमूल के अंदर और किसकी हो, ये माइनस की, तो ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात देखता हूं दोस्तों, बताता हूं मैं आपको, ये काल्पनिक संख्याएं होती है ना दोस्तों, इनको आई एक्स के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि आई एक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये आई एक्स क्या है ये बता देता हूं मैं तुमको। एक्चुअली इस आई एक्स, आई को हम बोलते आते हैं आयोटा बोलते हैं अधिकतर,
मैं तो दोस्तों आयोटा ही पढ़ता आया हूं इनको। जो ये आयोटा क्या होता है दोस्तों, ये होता है, इसका मान होता है माइनस का एक अंडर रूट, मतलब माइनस एक का वर्गमूल। ये इसका मान क्या होता है, आई के बराबर, आयोटा के बराबर। और एक्स जो होता है दोस्तों, वो कोई भी क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, कोई भी क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। अब मैं तुमको उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मान लो ये संख्या लेता हूं मैं, इसको मैं किसके रूप में लिखता हूं, आई एक्स के रूप में, जैसे माइनस दो का वर्गमूल। मैंने कहा था ये संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या है, तो इसको मैं इसके रूप में लिख के बताता हूं आपको। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको माइनस एक गुणा दो, दो एकम दो और माइनस। अब इनको अलग अलग कर देता हूं वर्गमूल को, माइनस का एक का वर्गमूल गुणा दो का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो मान है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, आई के बराबर। और ये संख्या माइनस के अंडर सॉरी वर्गमूल दो, ये संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या है, तो इसको पीछे लिख सकता हूं मैं एक्स। तो हो गया ना दोस्तों आई एक्स के फॉर्म में। तो ऐसी संख्याएं जिनको आई एक्स के रूप में लिखा जा सके, वो भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। आई क्या होती है, माइनस एक का वर्गमूल, इसके बराबर होता है आयोटा। यानी कि एग्जाम में यदि तुम्हारे आ जाए कि आयोटा की घात दो, इसका मान क्या होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है कितना, एक, माइनस का एक, सॉरी माइनस का एक। कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया कि आई बराबर होता है माइनस का एक का वर्गमूल, तो इसके घात दो, तो इसकी घात दो कर दो, इधर भी कितनी, इसकी घात कितनी कर दो, दो कर दो, तो ये वर्ग से वर्गमूल हट गया, तो दोस्तों क्या बच गया, माइनस एक। तो आयोटा का वर्ग कितना आता है, माइनस का एक। ये दोस्तों हो गई हमारी काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है, और वो गुणनखंड क्या होती है, खुद वो ही संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा और किसी का भाग न जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे दो, दो में दोस्तों खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, हाँ एक का जाता है, लेकिन एक का तो दोस्तों सभी में जाता है। तो इसको ऐसे बोल दो कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं उसी संख्या का और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इनके दो ही गुणनखंड होते हैं इसके, कैसे, दो गुण एक लिख सकता हूं ना इसको मैं, तो एक गुणनखंड क्या हो गया दो, एक गुणनखंड क्या हो गया एक, तो इन दोनों का ही भाग जा सकता है इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे एक संख्या है तीन, तीन में तीन के अलावा और एक के अलावा किसी नहीं जाता, तो यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। पांच, पांच में पांच के अलावा और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, तो यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। याद रखना दोस्तों, एक जो संख्या होती है वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ये एक अपवाद होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। हालांकि एक में एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन ये एक इकाई है, इसलिए इसको हम एक अपवाद मानते हैं, इसको हम न तो अभाज्य मानेंगे और न ही भाज्य मानेंगे। तो ये संख्याएं जैसे मान लो दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, ऐसे आगे तक बहुत सारी संख्याएं होती है जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो संख्या कैसे कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर दो होती है ना संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दो एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होती है दोस्तों, दो। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग न जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। उसके बाद में दोस्तों पढ़ते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात भूल गया, अभाज्य संख्याएं जो होते हैं दोस्तों, इनको रूट संख्याएं भी कहते हैं, ये याद रखना, कभी आ जाए मान लो एग्जाम में कि रूट संख्याएं, तो समझ जाना रूट संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात होती है। फिर आते हैं भाज्य संख्या पर। तो दोस्तों इसमें तो हमने क्या पढ़ा, जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। इसमें क्या होता है दोस्तों, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे देखो चार, तो चार में देखो चार और एक के अलावा, चार में चार के और एक के अलावा एक का भाग हो जाता है दो का, तो ये कैसे संख्या होगी दोस्तों, भाज्य संख्या। जैसे नौ है,
तो देखो 9 में 9 के अलावा 3 का भी भाग जाता है, तो ये कैसी संख्या हो गई? बैच संख्या। जैसे 12 है तो 12 में 12 के अलावा देखो दोस्तों 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो ये संख्या कैसी होगी दोस्तों? भाज्य संख्या। तो ये हो गई दोस्तों हमारी भाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं, कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। को प्राइम नंबर, इसको दोस्तों मैं तुमको बताता हूं। देखो उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो दो संख्या है, पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, इनका यदि मैं से निकालेंगे हम महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालें इन दोनों का, और इनका एचसीएफ यदि एक आया दोस्तों, तो ये संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। यानी कि दो संख्याएं जिनका हम एचसीएफ निकालें, तो दोनों उनका एचसीएफ कितना है? एक, तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लो 3 और 5, इन दोनों का मैं से ज्ञात करो कितना आता है? 1, तो ये संख्या कैसी होती है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7, ये भी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि मैं से कितना आता है दोस्तों? 1। मैं से 1 आने का मतलब क्या है कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना दोस्तों, वो 1 ही होता है और नहीं होता, यानी कि होता ही नहीं है ये कह दो। जिनका जैसे मान लो 3 को मैं क्या लिखूं? 3 गुणा 1। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 1। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोस्तों? 1। और ये इनका क्या होता है? मैं से, यानी कि इनका मैं से कितना निकलता है? 1। तो वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। या सीधे शब्दों में कहें कि ऐसी दो संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याएं जिनका मैं से निकालें और उनका मैं से कितना है? 1, तो वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सम और विषम संख्याएं। तो दोस्तों बहुत ही सीधी संख्या है ये, सभी जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आए। यानी कि सम संख्याएं तो क्या होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए। यानी कि सम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए। तो दोस्तों ये हो गए संख्याओं के प्रकार। दोस्तों पढ़ते हैं विभाजकता के नियम। तो दोस्तों विभाजकता के नियम में हम ये पढ़ेंगे कि कोई दी गई संख्या है, जो हमको संख्या दे रखी है सवाल में, उसमें किस संख्या का भाग कब जाता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों 2 की विभाजकता का नियम, कि किसी भी संख्या में 2 का भाग कब जाता है। तो किसी संख्या में 2 का भाग कब जाता है दोस्तों? जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4, या 6, या क्या होना चाहिए? 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई एक संख्या है, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों? 2 का। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों 3 की विभाजन विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में 3 का भाग कब जाता है। तो दोस्तों 3 का भाग कब जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या हमको दे रखी है उसके अंकों को जोड़ेंगे, और उनके जोड़ में यदि 3 का भाग चला गया, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये संख्या है दोस्तों, ये मैंने संख्या ले ली, इसके अंकों को जोड़ते हैं, जैसे 7+5+6+8+2, तो 2 और 8 10 और 6 16 और 5 21 और 7 कितने होते हैं दोस्तों? 28। अब देखो दोस्तों इसमें 28 में जो है 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें जब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यदि इनके अंकों का जोड़ मान लिया जाए 27 होता, तो 27 में तो 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे हम ज्ञात करेंगे, यानी कि 3 का भाग ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? उस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे हम, और उसके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है ना दोस्तों, उसमें हम भाग देंगे 3 का, और उसमें भाग चला गया तो दी गई संख्या में भी किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों 4 की विभाजकता,
तो किसी भी संख्या में चार का भाग कब जाता है दोस्तों, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम तो ये होता है दोस्तों, उस संख्या का जो संख्या हमको दे रखी है ना दोस्तों, उस संख्या का एक तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दोनों अंक क्या होने चाहिए दोस्तों, जीरो। जैसे एक संख्या है हमारे पास जैसे 1600, तो इसमें इकाई का अंक भी जीरो है और दहाई का अंक भी क्या है, जीरो है। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों, चार का। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें इकाई और दहाई का अंक जैसे शून्य होता है, जैसे मान लो संख्या है हमारे पास इसमें दो अंक क्या है, शून्य है, तो इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों, चार का। ये पहला नियम। दूसरा नियम दोस्तों, जैसे इकाई का और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है ना दोस्तों किसी संख्या में, और उस इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या में चार का यदि भाग चला गया तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, चार का। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लो एक संख्या है हमारे पास, इसमें इकाई का अंक कितना है दोस्तों, दो, और दहाई का अंक कितना है दोस्तों, तीन। तो इन दोनों से मिलकर संख्या क्या बन गई दोस्तों, 32। अब 32 में किसका भाग देके देखेंगे हम, चार का। तो 32 में देखो चार का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी चार का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये होता है दोस्तों चार की विभाजकता का नियम। अब दोस्तों देखो, जैसे पढ़ते हैं पांच की विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में पांच का भाग कब जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सीधा है, बहुत सरल है ये, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि जीरो है या क्या है, पांच, यदि इन दोनों में से इकाई का अंक किसी संख्या का है तो उसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों, पांच का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छह का, छह की विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में छह का भाग कब जाता है। दोस्तों ये जो नियम है छह की विभाजकता का, बिल्कुल तीन की तरह है, सॉरी तीन की तरह नहीं है, दो और तीन का भाग जाता है किसी संख्या में तो किसका भाग जाएगा दोस्तों, छह का। यदि किसी संख्या में दो और तीन का भाग जाता है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, छह का। जैसे मान लो हमने एक संख्या ली 128, सॉरी, इसमें देखेंगे कि छह का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो इसमें सबसे पहले दो का भाग चेक करते हैं कि दो का भाग जाता नहीं जाता, तो देखो दो का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि लास्ट में क्या है, आठ है। अब किसका देखते हैं, तीन का भाग जाता नहीं जाता, तो तीन का भाग कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आठ और दो ग्यारह, सॉरी आठ और दो दस और एक ग्यारह, तो इनका योग कितना आ गया दोस्तों, इनके अंकों का ग्यारह आ गया। अब ग्यारह में तीन का भाग नहीं जाता तो 128 में भी किसका भाग नहीं जाएगा, तीन का। यानी कि 128 में दो का भाग चला गया लेकिन तीन का भाग नहीं गया, तो इस छह का भाग इसमें नहीं जाएगा। मतलब दी गई संख्या में दो का भी भाग जाना चाहिए और तीन का भी भाग जाना चाहिए तो ही किसका भाग जाएगा, छह का, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि दो का भाग चला गया और तीन का नहीं गया तो छह का भाग जाएगा, नहीं, दोनों का ही जाना अनिवार्य है। तो ये होता है दोस्तों। उसके बाद में सात की विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में सात का भाग कब जाता है। देखो दोस्तों इसको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं तुमको। जैसे मान लो एक संख्या है हमारे पास 882, हम चेक करेंगे कि इसमें सात का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसका जो इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का अंक कितना है दोस्तों, दो, इस इकाई के अंक को दुगना कर देंगे, इकाई के अंक को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चार। अभी जो चार आया ना दोस्तों, इसको बाकी की संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 88 में से कितना घटा दो, चार, तो कितना आया, 84। अब हम 84 में सात का भाग देके देख लो, यानी कि 84 में सात का भाग देंगे दोस्तों, सात का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें बराबर। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग गया ना दोस्तों, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, सात का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या किया हमने, इकाई के अंक का दुगना किया, इकाई के अंक के दुगने को बाकी की बची संख्या में से घटा दिया, और बाकी की बची संख्या में से बाकी की बची संख्या में किसका भाग दिया, सात का। यदि उस संख्या में सात का भाग चला गया तो जो पूर्व में संख्या दे रखी है उसमें भी सात का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये होता है दोस्तों सात की विभाजकता का नियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों आठ की विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में आठ का भाग कब जाता है। आठ की विभाजकता का नियम दोस्तों बिल्कुल आसान है। जैसे उसमें पहला नियम तो क्या होता है, उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक और सैकड़े का अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, शून्य। ऐसी संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों का तीनों क्या होने चाहिए, शून्य। यदि ऐसा है तो उसमें किसका भाग जाएगा, आठ का।
जैसे एक संख्या देखते हैं, जैसे मान लो ये संख्या है, तो यहाँ पे एकाएक अंक शून्य है, दाएक अंक शून्य है और सैकड़े अंक भी क्या है, शून्य है। तो इस पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों, आठ का भाग जाएगा। दूसरा नियम देखते हैं इसका, यदि ऐसी संख्या दे रखी है जिसके इकाई और ढाई और सैकड़े इन तीनों अंकों को जो मिला के जो संख्या बन रही है उस संख्या में आठ का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, आठ का। जैसे देखो हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक कितना है दो, ढाई का अंक कितना है एक और सैकड़े का अंक भी कितना है एक, तो इनसे क्या संख्या बन गई 112। अब 112 में 8 का भाग दो दोस्तों, पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें 8 का, तो इस संख्या में भी यानी कि 652,112 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे इसमें। तो पहला नियम तो क्या है, इकाई ढाई और सैकड़े का अंक क्या होना चाहिए, जीरो, तो भी 8 का भाग जाता है। दूसरा नियम यह है कि इकाई ढाई और सैकड़े से बनी संख्या में भी किसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, आठ का। जैसे 212 में हम आठ का भाग देंगे 14 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, आठ का। ये होता है दोस्तों आठ की विभाजकता का नियम। अब देखते हैं दोस्तों नौ की विभाजकता का नियम कि किसी संख्या में नौ का पूरा पूरा भाग कब जाता है। तो दोस्तों ये जो नौ की विभाजकता का नियम है बिल्कुल तीन की तरह है, जिस प्रकार तीन की विभाजकता ज्ञात करते हैं वैसे के वैसे ही नौ की विभाजकता ज्ञात करते हैं। तीन की विभाजकता में क्या करते थे दोस्तों हम, कि उन दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते थे और उस अंकों के जोड़ में तीन का भाग यदि चला गया तो उस संख्या में तीन का भाग जाता है। इसी प्रकार सेम इसमें है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, उसके अंकों के जोड़ में यदि नौ का भाग चला गया तो दी गई संख्या में भी नौ का भाग जाएगा। जैसे दोस्तों हम चेक करते हैं, जैसे एक संख्या दे लेते हैं, ये संख्या है, इसमें हम चेक करेंगे इसमें नौ का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले इनके अंकों को जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो गया दोस्तों 7 और 5 12 9 21 और 2 23। तो दोस्तों इसमें 23 में 9 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम, इकाई का अंक ज्ञात करने के नियम कि कोई भी संख्या हमको दे रखी है उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जीरो का नियम, यानी कि ऐसा नियम जिस संख्या का मान लो इकाई का अंक जीरो है। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई, जैसे ये हमने संख्या ले ली 5560, इसका इकाई का अंक मान लो 65 है, सॉरी घात कितनी है दोस्तों 65, 5560 इसका घात है 65, इसका हमको ज्ञात करना है दोस्तों इकाई का अंक। जो इस संख्या को हल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों याद रखना, जिस संख्या की इकाई का अंक जीरो हो और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि कुछ भी हो मतलब वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि जीरो होगी ना दोस्तों तो कोई भी संख्या जिसकी घात जीरो है तो उसका मान कितना आ जाएगा, एक। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है x, x जगह 1 2 3 4 कुछ भी संख्या हो सकती है, इसकी घात कितनी है जीरो, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, एक, यानी इकाई का अंक भी कितना आ जाएगा, एक। तो कुछ भी बोलूं मैं तो ये मत सोचना जीरो, जीरो के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो जीरो का नियम क्या हो गया, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक जीरो है और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, एक आएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों, एक का नियम। एक के नियम में क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी संख्या हमारे पास दी गई है उसका इकाई का अंक कितना है, एक, एक है, और इसकी घात मान लो हमको दे रखी है 165। अब हमसे ये पूछे दोस्तों कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि एक जो होता है उसका एक जो इकाई अंक की कोई संख्या होती है और उसकी घात कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक कितना आता है, एक ही आता है, ठीक है दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक की घात मान लो 5 है, ठीक है दोस्तों, तो जैसे 1 × 1 × 1 × 1 × 1 5 बार गुणा करेंगे एक को तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा,
जैसे दोस्तों हमने किया 11 की घात 2, तो 11 की घात 2 11 गुणा 11 बराबर कितना आ गया 121, तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। 11 की घात 3 करोगे दोस्तों तो भी इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। तो ये याद रखने की बात है दोस्तों, ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है और उसकी घात कुछ भी दे रखी है हमको, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 और 8, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, उसकी घात उसकी पावर जो है कोई संख्या दे रखी है, तो उसको हल करने पर उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 2 एवं 8 का नियम। देखो दोस्तों, दो संख्या है हमारे पास, जैसे मान लो एक संख्या ये दे रखी है हमारे पास 662 की घात 85, एक संख्या दोस्तों ये दे रखी है मान लो हमारा 228 की घात 32। हमसे पूछा है दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं को हल करें हम, और हल करने के बाद कोई संख्या आएगी तो उन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों कि इकाई के अंक पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी। तो दोस्तों इस 2 और 8 के नियम में हमको कैसे निकालना है, जो घात दे रखी है ना दोस्तों उसमें हम 4 का भाग देंगे, 2 के नियम में भी और 8 के नियम में भी, दोनों में। तो यदि उस घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो उसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वो आएगा 6। यदि 4 का पूरा पूरा भाग गया तो, यदि 4 का पूरा भाग गया तो क्या आएगा इकाई का अंक 6। किस में भाग देंगे दोस्तों, घात में। और यदि घात में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो जो शेषफल आता है ना दोस्तों, उस शेषफल को इसमें लगाते हैं, इसमें इकाई के अंक में, तो वो आती है। जैसे मान लो दोस्तों इसमें हम 4 का भाग दें पूरा पूरा, तो 32 में देखो 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 6। अब इसमें यदि हम 4 का भाग दें पूरा पूरा तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी कि इसमें 85 में हम यदि भाग दें किसका 4 का, तो 4 × 8 4 × 4 और शेषफल कितना बच गया दोस्तों 1, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी घात 1 लगा देंगे हम, किसकी 662 की, तो 662 की घात 1, तो दोस्तों इकाई अंक कितना आएगा, 662 की घात 1 का मतलब होता है 662, तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 2। ऐसे मतलब 2 और 8 यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है और उसकी घात कुछ दे रखी है तो उस घात में हम किसका भाग देंगे 4 का, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया दोस्तों तो इकाई अंक कितना आएगा 6, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो जो शेषफल बचा है ना उस शेषफल को उस संख्या की घात में लगाएंगे और उसको हल करेंगे, तो जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 12 की घात 15, ठीक है दोस्तों, तो इस 12 की घात 15 में, अब 15 में क्या देंगे दोस्तों हम 4 का भाग, तो 15 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा दोस्तों, 3 शेषफल बचा, तो हम 12 की घात कितनी लगाएंगे दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करेंगे इसको 12 × 12 × 12, तो देखो दोस्तों सबको गुणा करना कोई जरूरी नहीं है, 2 × 2 = 4 × 4 × 2 = 8, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 8। ऐसे हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 4 के इकाई अंक का ज्ञात करने का नियम, यानी कि 4 का नियम। देखो दोस्तों ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है, जैसे मैंने हम लिख दिया 224 और इसकी घात मान लो एक तो है 24 और एक कोई संख्या है जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1024, इसकी घात मान लो 33 है, तो दोस्तों याद रखना 4 का जो इकाई अंक होता है उसकी घात कोई होती है, तो यदि वो घात सम है तो
उसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वो आएगा छ। यदि घात कितनी हो सम, तो इकाई का अंक आएगा छ। और दोस्तों यदि विषम है, क्या है विषम, तो इकाई का अंक आएगा दोस्तों चार, जैसे इसका चार। अब इनको याद कैसे करेंगे, कि याद कैसे रहेंगे ये, मान लो भूल गए तुम इसको, तुम एक तरीका है इसका, जैसे मान लो चार लिखो तुम और इसकी घात दो लगा दो, समय घात, तो चार गुना चार जब तुम करोगे तो कितना आता है सोलह, यानी इकाई अंक कितना आया छह, तो ऐसे याद कर लेना। अब चार की घात तुम विषम रख के देखो, जैसे मान लो मैंने तीन रख के देख लिया, तो चार घात तीन का मतलब होता है चार गुणा चार गुणा चार, यानी कि चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ, तो इकाई अंक कितना है दोस्तों चार। तो हम ऐसे याद रख लो कि जब मैंने चार की घात सम रखी तो इकाई अंक कितना आया छह, और चार की घात विषम रखी तो इकाई अंक कितना आया चार, ऐसे हम इसको रखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों चार की का नियम। अब पढ़ते हैं दोस्तों पांच का नियम, यानी कि ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है पांच, जैसे मान लो हमारे पास ये है 1025, ये 10255, इसकी घात मान लो 100 है, तो दोस्तों इसकी घात चाहे कुछ भी हो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है पांच, ये बहुत सीधा है, पांच का यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक पांच है और इसकी घात कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों पांच ही आएगा, ये ध्यान देना है आपको। छठा ये है दोस्तों छह का नियम, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक कितना है छह, जैसे मैंने लिख दिया 216 की घात मान लो 36, ठीक है दोस्तों, तो इकाई का अंक छह का यह नियम होता है दोस्तों, चाहे इसका घात सम हो और चाहे इसकी घात क्या हो विषम हो, जैसे मान लो ये मैंने 49 लिख दी, ठीक है दोस्तों, इनका दोनों का जो इकाई का अंक कितना आता है छह ही आता है, इसका भी छह आएगा और इसका भी छह आएगा। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, याद करना इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने लिख दिया छह की घात दो, सम है ना दोस्तों घात, तो क्या लिखेंगे छह गुणा छह, तो कितना है दोस्तों 36। अब जैसे विषम रख के भी देख लो, छह की घात तीन, तो कितना आएगा दोस्तों छह गुणा छह गुणा छह गुणा छह, तीन बार गुणा करेंगे छह गुणा छह गुणा छह, तो कितना आता है दोस्तों छह गुणा छह 36, 36 छह 216। तो दोस्तों इसका भी इकाई अंक कितना आया छह, इसका भी इकाई अंक कितना आया छह, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक जिसका इकाई अंक कितना हो छह। तो इकाई अंक यदि छह है और उसकी घात कुछ भी हो तो दी गई संख्या को हल करने पर इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों छह ही आएगा, ऐसे। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला नियम, तीन एवं सात का नियम, दोस्तों तीन और सात का जो नियम है ना वो दो और आठ के नियम के जैसा है, याद करो हमने दो और आठ का जब मैंने अभी करवाया था तो उसमें क्या था, दो और आठ के नियम में हम घात में चार का भाग देते थे, किसका भाग देते थे चार का भाग, यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो इकाई का अंक कितना आता था उसमें छह, और यदि घात भाग पूरा पूरा नहीं गया तो क्या करते थे कि उस संख्या में उसकी घात क्या लिखते थे शेषफल, जो शेषफल आता था ना उसको लिखते थे, और उसको हल करने पर हमारे क्या ज्ञात करते थे उत्तर ज्ञात करते थे हम, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है तीन और सात के नियम में हम क्या करेंगे, घात जो है उस घात में चार का भाग देंगे, यदि भाग पूरा पूरा गया तो इकाई का अंक आएगा दोस्तों एक, और यदि भाग पूरा पूरा नहीं गया तो वही बात जो शेषफल आएगा ना उसको घात के रूप में लिखेंगे और उसको हल करेंगे, फिर इकाई का अंक आएगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखता हूं दोस्तों, जैसे मान लो तेरह है, तेरह की घात में जैसे दोस्तों मैंने लिख दी 16, ठीक है दोस्तों, तो अब हम घात में भाग दो, 16 में भाग दिया हमने चार का, तो भाग पूरा पूरा गया दोस्तों चार चौके 16, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों एक, ठीक है दोस्तों। अब यदि मान लिया जाए कि इसका इकाई का अंक मान लो 18 होता तो क्या करते हम 18 में भाग देते किसका चार का, तो चार चौके 16, दो
क्या बच गया दोस्तों, शेषफल बच गया। तो अब इस शेषफल को क्या करेंगे, इसकी घात लगाएंगे, किसकी, 13 की। तो 13 की घात 2, तो 13 की घात 2 मतलब 13 गुणा 13, ठीक है दोस्तों। तो आ गया 169, तो इसका एकाएक अंक कितना हो गया दोस्तों, 9। ऐसे ज्ञात करेंगे 3 और 7 के नियम में। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम 9 का नियम, 9 का नियम। तो देखो इस नियम में क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कोई संख्या है उसका एकाएक अंक 9 है और उसकी घात मान लो 123 है, एक तो ये मान लिया मैंने, एक संख्या मान लो ये है जिसका एकाएक अंक भी कितना है, 9 है। अब ये मैंने लगा दिया मान लो 24, ठीक है दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, जब इकाई का जो इकाई का अंक 9 है और घात सम है ना, तो घात सम है तो इसका इकाई का अंक आने वाला है दोस्तों 1, और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक आने वाला है दोस्तों 9। अब याद कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था तुमको 4 के नियम में। देखो दोस्तों जैसे 9 है, इसकी तुम विषम घात रख के देखो, कोई एक, कोई एक विषम घात रख के देखते, जैसे मान लो 3 रख के देखे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि दोस्तों ये तो आ गया 9 गुणा 9 81 और ये आ गया ये 9, तो कितना हो गया दोस्तों, 9 एकम 9 9 8 72, तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 9। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इकाई अंक सम रख के देखो, सॉरी इसकी 9 का घात सम रख के देखो, तो 9 की घात सम रख दे, मान लो 2 रख के देख लिया हमने, तो 9 गुणा 9 तो कितना आ गया दोस्तों 81, इकाई अंक कितना आ गया 9। तो ऐसे हम इनको याद रखेंगे, यानी कि इकाई अंक 9 है और घात दे रखी है हमको कुछ, तो यदि घात विषम होगी ना तो इकाई अंक 9 आएगा और सम होगी तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ऐसे हम इकाई के अंकों के नियम को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अब हम संख्या पद्धति के बारे में लगभग सारा थ्योरेटिकल पढ़ चुके, सारा जो मौखिक जो चीजें हैं वो पढ़ चुके हम। इसके जो अगला पार्ट है पार्ट 2 में, हम सारे सवालों को छोटे छोटे सवालों से लेकर बड़े बड़े सवाल जितने भी आते हैं उन सबको हम हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल पे विजिट करने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपना कोई सुझाव हो ना दोस्तों तो प्लीज वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुझाव कैसा भी हो, मतलब पढ़ाने के कोई तरीके पर हो, क्योंकि मैं इससे पहले कभी मैंने यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो बनाया नहीं, तो मेरे वो अनुभव भी कम है थोड़ा सा। तो कोई भी सजेशन हो आपका पढ़ाने का, कोई मेथड हो या फिर इसमें मान लो कोई ऐसा कोई नया तरीका हो जो मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।